है एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाव की रेसिपी। तो मार्केट से तो पाव आप लेते ही हैं, घर पे से आसानी से कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरे घर से बनी हुई चीज़ें वैसे भी सभी को बहुत पसंद आती हैं, तो बिल्कुल मार्केट के जैसा ही बनेगा, बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी। कई बार हम मार्केट से बहुत सारी चीज़ें लेकर खाना पसंद नहीं करते हैं, तो पाव भी आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो इसकी पूरी वीडियो इसमें आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं पाव कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप भी इसी तरह से परफेक्ट पाव बना सकें। तो चलिए फटाफट से प्रोसेस देख लेते हैं। आधा ग्लास यहाँ पे मैंने पानी लिया, हल्का गर्म पानी लेना है आपको। यहाँ पर मेरे पास ईस्ट के दो पैकेट हैं, एक है एक्टिव ड्राई ईस्ट और एक है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। दोनों ही ईस्ट से आप परफेक्ट बना सकते हैं। आज मैं एक्टिव ड्राई ईस्ट से बना रही हूँ। तो 1.5 चम्मच यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। इसे मिक्स कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसे एक्टिव होने के लिए रख देंगे। और ये एक्टिव कैसे होगा इसे पता करने के लिए मैं आपको बताऊंगी वीडियो में किस तरह से आपको चेक करना है। यहीं पे गलती होती है कि ये एक्टिव नहीं होता और इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो पहले इसे एक्टिव होने दें, उसके बाद ही यूज़ करना है। कई बार हम पानी ज़्यादा गर्म ले लेते हैं या ठंडा ले लेते हैं, उसकी वजह से भी जो ईस्ट है ना वो एक्टिव नहीं हो पाता है। तो उसका भी मैं प्रोसेस आपको इसमें बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1/2 किलो मैदा, 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने शुगर का यूज़ किया है, 1/4 TSP यहाँ पे मैंने सॉल्ट यूज़ किया है। इसे मिक्स करके एक बड़े बाउल में हम निकाल लेंगे। मैदे को यहाँ पे मैंने छान लिया, तो आप भी इसे छान कर यूज़ करें। अब ईस्ट एक्टिव हुआ है कि नहीं कैसे चेक करें। एक ग्लास में पहले से मैंने रखा है, ये देख सकते हैं ये एक्टिव हो गया है, ऊपर में झाग आ गई है इस तरह से, मतलब ये ईस्ट है जो एक्टिव हो गया है। ये जो मैंने अभी दिखाया था वो इस तरह से है, देखिए मेल्ट है अभी तक, ये एक्टिव नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं। जितने देर में ये एक्टिव हो जाए उसके बाद ही आपको यूज़ करना है। इसी एक्टिव ईस्ट से अब जो मैदा है उसे हम गूंद लेंगे। 1 ग्लास पानी का यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। पानी आप किसी हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हम रोटी का आटा लगाते हैं बस आपको उसी तरह से यहाँ पर आटा लगाना है। अगर आपको दिक्कत आती है मेजरमेंट में, तो मुझे कितनी क्वांटिटी में पानी लगा है मैंने स्क्रीन पे भी लिख दिया और डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका जो आटा होता है ना हल्का सा गीला लगता है। थोड़ा सा मिक्स कर लेने के बाद इसे प्लेटफॉर्म में निकाल लेंगे और स्ट्रेच करते हुए इसे कम से कम 5 से 7 मिनट आपको गूंदना है। हल्का चिपचिपा लगेगा तो हाथ में आप ऑयल लगा सकते हैं। कंटिन्यू इसी तरह से आप स्ट्रेच करेंगे ना, तो इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो रेडी हो जाएगा। तब तक आपको इसको अच्छे से स्ट्रेच करना है, यही मेन प्रोसेस है। जितना अच्छे से आप स्ट्रेच करेंगे उतने अच्छे आपके पाव रेडी होंगे। जितने अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है उतने अच्छे से पाव आपके लाइट वेट भी बनेंगे, जालीदार भी बनेंगे और स्पंजी भी बनेंगे। तो 5 से 7 मिनट तक इसे गूंद लेने के बाद देख सकते हैं एक डो में रेडी हो गया है। इसे एक बाउल में हम निकाल लेंगे। बाउल में हल्का सा मैंने ऑयल लगा दिया है और ऊपर में भी हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे इसमें। तो इसे ढक देंगे और किसी गर्म जगह पर रख देंगे हम, जब तक इसके डो जो क्वांटिटी में जस्ट डबल ना हो जाए। अभी काफ़ी गर्मी पड़ रही है तो अभी ये जल्दी से एक्टिव हो जाता है, 30 मिनट में ये डबल हो जाएगा। ठंडी के मौसम में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो 30 मिनट में देख सकते हैं, ये 30 मिनट से ज़्यादा रखने की अभी कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। डो हमारा डबल से भी ज़्यादा हो गया आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं पन्नी निकाल लेती हूँ। अब हल्का यहाँ पे मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि इसे हम पंच करें ना तो हाथ में मैदा लगे नहीं। अब पंच करके इसका सारा एयर निकाल लेंगे और निकाल के एक बार इसे हल्का हाथों से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद इसे छोटे छोटे पीस जिस हिसाब से आपको चाहिए पाओ उस हिसाब से आप पीसेस निकाल लीजिए और किसी भी मोल्ड में इसे सेट कर लीजिए। थोड़े थोड़े स्पेस में रखना है ताकि इसे हम वापस से जब इसे हम रेस्ट करने के लिए रखें तो ये फूलेगा ना, तो एक दूसरे से ज़्यादा चिपके नहीं, तो थोड़े थोड़े इस डिस्टेंस में इसको रखना है। तो इसे ढककर 30 मिनट के लिए हम रेस्ट होने के लिए रख देंगे। 30 मिनट के बाद देख सकते हैं ये जस्ट साइड में डबल हो गया है वापस से। आप ब्रश की सहायता इसमें हल्का हल्का सा मिल्क लगाएंगे या फिर यहाँ पे पानी का भी यूज़ कर सकते हैं आप। दूध का यूज़ करने से काफ़ी अच्छा इसका कलर आता है टॉप का। लगाने के बाद 10 मिनट इसे फिर ढक कर रख देंगे हम, और इस प्रोसेस को हमको 2 बार करना है। मतलब एक बार मिल्क लगा कर ढक देना है, देन एक बार लगाकर इसको फिर बेक करने के लिए रखना है। तो बेक करने के लिए इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट होने रख दिया था। लोअर रैक रखा है और यहाँ पे हम रख देंगे अपना जो हमारा पाव का मोल्ड है वो।
बेक करने के लिए 170 डिग्री पे मैंने इसे रखा है। तो किस तरह से सेट करना आप देख सकते हैं, पहले इसको कन्वेक्शन मोड में डालना है, 170 डिग्री पे रखना है, देन इसको आपको जितने मिनट के लिए बेक करना है उतने मिनट को आपको सेट करना है। तो इसे यहाँ पे मैंने 22 मिनट्स के लिए रखा है और बस यहाँ पे इसे स्टार्ट कर दिया है। तो देख सकते हैं ये बेक होना स्टार्ट हो गया है, 22 मिनट्स में ही ये रेडी हो गया था, उससे ज़्यादा मैंने इसे बेक नहीं किया। इसे निकाल लेते हैं हम, तो देख सकते हैं परफेक्ट हमारे यहाँ पे पाव रेडी हो गई है। अभी इसका जो ऊपर का टॉप है ना वो थोड़ा सा हार्ड होगा, तो यहाँ पे मैं बटर लगा रही हूँ। ऊपर के टॉप में बटर लगाने के बाद इसे कम से कम 30 मिनट के लिए आप रेस्ट देंगे, तभी जो पाव है ना वो सॉफ्ट होगी। जैसे ही आप पाव निकालते हैं माइक्रोवेव से तो उसके बाद ये थोड़ा सा हार्ड होता है इसका ऊपर का टॉप। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बटर। बटर लगाने के बाद 30 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे हम। 30 मिनट के बाद देख सकते हैं परफेक्ट हमारी जो पाव है वो रेडी हो गई है, सॉफ्ट भी हो गया है उसका ऊपर का टॉप, ऊपर में जो कलर है वो भी परफेक्ट आया है। तो चलिए इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो ये पाव हमारी रेडी हो गई है, कितना सॉफ्ट बना आप देख सकते हैं। और घर पे बनाया तो बिल्कुल साफ़ सुथरा बना हुआ है, घर पे आप आसानी से इसे बना भी सकते हैं, ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं है ना ही ज़्यादा कोई सामान लगता है। तो इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप, मैं इसे आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। देख सकते हैं परफेक्ट हमारी पाव यहाँ पे रेडी हो गई है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना आप ये भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से जालियाँ भी पड़ी हैं इसमें। तो इसे आप बनाकर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं रेसिपी कैसी लगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।